चक्कर आ जाएंगे, लेफ्ट का गार्ड ऊपर रख, रिलैक्स हो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे भट्ट साहब। नॉकआउट मारा है, नॉकआउट बहुत अच्छे। टाइगर भाई बहुत अच्छे जीत गए। ये अली रजा भट्ट है। अस्सलाम वालेकुम व्हाट्स अप पीपल, शुभ अबराकेज है। आज मैं जा रहा हूँ एक बॉक्सिंग मैच देखने, अभी मैं रेडी हो रहा हूँ। मेरे बड़े प्यारे दोस्त टाइगर, बॉक्सर टाइगर का मैच है यहाँ पे बाकू में, अभी आपको जाके दिखाते हैं। आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक और जाके देखते हैं कि वो कैसा खेल पेश करते हैं। और लेट्स गो, मैं गेट रेडी, आई एम जस्ट गेटिंग रेडी, उसके बाद निकलते हैं। हम निकले हैं और जो बॉक्सिंग मैच है वो दूसरे शहर के अंदर है। किधर है अभी देख रहे हैं हम? हाँ, सर्च कर रहे हैं कि दूसरे शहर में, मुझे तो पता चला है कि हमें घंटे डेढ़ का तो सफ़र है, वैसे घंटा डेढ़ तो मिला और भी लग जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और नहीं कुछ नहीं कहता। भजन मैप पे चेक करने लगे हैं, देखिए मौसम कितना अच्छा हो चुका हुआ है और अभी बादल कितने आ गए हैं। हवा आप में ठंडक है लेकिन वो वाली ठंडक नहीं रही अब, लेकिन है, एक घंटे बाद मजीद ठंड हो जानी है। हम लोग जा रहे हैं सागन ओलंपिया कॉम्प्लेक्स, और ये कहाँ पे है भजन? भजन वो यहाँ से काफ़ी दूर है और वो मर्दाकान में है। मर्दाकान जो दूसरा शहर है वहाँ पे है, तो लेट्स गो मर्दाकान। जी फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं किधर, सागान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ये है जी, देखिए ओलंपिक का निशान बनाया, और अब हम जा रहे हैं अंदर बॉक्सिंग मैच पे। लेट्स गो ब्रो, लेट्स गो। मेरे साथ है चैंपियन द टाइगर, पाकिस्तानी टाइगर, कमर भाई को टाइगर कहते हैं, इज अ ग्रेट बॉक्सर और हैवी वेट चैंपियन है बेसिकली। और ये साथ है अली रजा भट्ट फ्रॉम पाकिस्तान, ही इज गोइंग टू प्ले, अभी खेलने लगे। बेस्ट ऑफ लक जी। अच्छा टाइगर, कुछ थोड़ा सा बॉक्सिंग के बारे में बताएं कि क्या सीन होता है, मुझे लगता था मुंह पे मारे तो ज्यादा मुंह के पॉइंट होते हैं, क्या सीन है ये? देखिए मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूं कि बॉक्सिंग दो किस्म की है, एक एमेचर बॉक्सिंग और एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग। आप आई माशाल्लाह अजरबैजान में इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सिंग देखने आए, जितना भी फेम है मोहम्मद अली कले, माइक टाइसन, ये लोग प्रो बॉक्सर। हाँ जी, इसको एक बड़ा आसान सा बताता हूँ ताकि आपके जो ऑडियंस हैं उनको समझ में आ जाए, जिसमें सिर्फ आप निकर पहन के फाइट करते हैं, कपड़े उतर जाते हैं, वो है प्रो बॉक्सिंग, प्रो ओपन फाइट, जिसमें आप हेलमेट भी नहीं पहनते, नहीं पहनते किसी चीज़ की इजाजत नहीं होती, सिर्फ आप नी और एल्बो नहीं मार सकते, बाकी आप जैसे मर्जी मारें, वो अलग चीज़ होती है। उसके बाद एमेचर है जिसमें आप डायरेक्ट सिर्फ पंचेस खेलते हैं सीधे, तो ये फर्क है। और दूसरा जो आपने सवाल किया है उसमें ये होता है कि आपकी जो बेली बटन है यानी नाक से लेके माथे तक जितना भी एरिया है उस पर जितने पंचेस लगेंगे उसमें पंच काउंट नहीं होते, उसमें जज ये देखता है कि इसने कितना अच्छा अंदर टारगेट किया है। ओके, पॉइंट्स 9 और 10 ही होते हैं, यानी हारने वाले के 9, जीतने वाले के 10, तो इसको इस तरीके से जज करता है। और अभी आप भी खेलेंगे जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी अच्छे के बाद दोबारा रिंग में आया और अजरबैजान और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये मेरा स्टूडेंट है अली रजा भट्ट, माशाल्लाह प्रोफेशनल बॉक्सर ऑलरेडी बॉक्सिंग के, और ये मेरी टाइगर हमदानी प्रमोशन की तरफ से ये खेल रहा है, और मैं माशाल्लाह पहला पाकिस्तानी हूँ जिसको अजरबैजान फेडरेशन ने लाइसेंस। जी शाहजी पहले पाकिस्तानी हैं कि इन्होंने यहाँ पे अजरबैजान में आके पहली बार झंडे गाड़े हैं, इनको सबको हैरान कर दिया कि यार कि बॉक्सिंग ऐसे भी होती है। और अलहमदिल्ला इनकी जो
शागिर्द हैं उनमें अजरबैजानी, जॉर्जियंस और ऑब्वियसली पाकिस्तानी तो हैं, तो हमें इनके साथ खड़े होकर सबसे पहले बड़ा फखर महसूस हो रहा है कि और इन्होंने इनवाइट किया कि आगे मेरा मैच देखें, हमने आपको बेस्ट ऑफ लक तो बेस्ट विश और पीछे से सब जो सबसे ज्यादा आवाजें आई थी ना वो हमारी अच्छा हमें तो पता है कि आपका कद कितना है और आपका स्टैचर क्या है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा इनको भी पता चल जाए कि आपने कितने मेडल जीते हैं और आप पाकिस्तान में किस चीज को रिप्रेजेंट करके बॉक्सिंग करते हैं, आपने क्या क्या टाइटल्स आपके नाम में। अच्छा, इस तरह है कि मैं ये भी एक नॉलेज दे दूं कि एमेचर बॉक्सिंग में मेडल्स होते हैं, प्रो बॉक्सिंग में बैट्स होते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। तो एमेचर जब तो खेलते थे स्कूल में और कॉलेज में तो मेडल्स का तो कोई पता नहीं है कितने लिए। वैसे जो मेरे पंजाब लेवल पे और डिवीजन लेवल पे हैं, मेरे पास 4 गोल्ड है और 3 सिल्वर। तो बाकी है कि वो तो जो बाकी टूर्नामेंट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उस पर तो फिर चलता रहता है। और प्रो बेल्ट माशाल्लाह मेरे पास अजरबैजान की TGA प्रमोशन की हाइब्रिड बेल्ट मेरे पास है माशाल्लाह। और पंजाब में पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल का रजिस्टर्ड टाइटल ग्रीन बेल्ट माशाल्लाह पंजाब रजिस्टर्ड मेरे पास ही है और अभी तक स्टिल मैं ही चलती हूँ। और ये अभी तक बेल्ट है जी और माशाल्लाह आज इसकी हमने यहाँ पे चलाया और इनकी फाइट है और ये फाइट बताओ भाई। इंशाल्लाह 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 आज की फाइट मैं फलस्तीन के मुसलमानों के नाम पर इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जब ये बताएं आप अजरबैजान में कब से हैं और यहाँ पे आप बॉक्सिंग मैंने जैसे देखी है कि मैं ये बात बाकी जन्म पर दे जो जज कर रहा था, यहाँ पर भी लोकल उनकी बॉक्सिंग हो रही है, क्लब्स खेल रहे हैं, लेकिन सारा जो इनका निज़ाम है वो इंटरनेशनल है। जो हर बॉक्सर आ रहा है वो अपने म्यूजिक से आ रहा है, जिसकी एंट्री है मुझे ऐसी लग रहा है कि कोई प्रोफेशनल बॉक्सर और जॉर्जिया से है, हम पाकिस्तान से आए हैं और अजरबैजान में हैं। तो 3 कंट्रीज खेल रहे हैं, इंटरनेशनल इवेंट है और प्रो का हुस्न ही है कि ये आप इतना शोर शराबा देख रहे हैं, एंट्रेंस म्यूजिक है आपकी, लेकिन प्रो में हार जीत काउंट जहरी बात है, वो तो जब बंदा हारता है जीतता है, एक ना तो जीतना एक ना हार, लेकिन प्रो में खेलना और बॉक्स रैक के ऊपर अपडेट हो जाना, ये फाइट वाली बॉक्स रैक पे अपडेट होगी जो इंटरनेशनल जबरदस्त। तो आपके जो ओपोनेंट हैं वो किस कंट्री से बिलोंग? जी मेरे जो ओपोनेंट हैं वो भी अजरबैजान से, लेकिन ये हमारा जो फाइट है वो इसके भी जरा मजेदार होने जा रहा है। वो बेसिकली MMA के 2-time वर्ल्ड चैंपियन और मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, अब बॉक्सिंग और MMA की फाइट है, इसलिए आपने देखा होगा काफी हैवी तो अपने MMA वाले स्टाइल में खेलेंगे कि उनको अलाउ ही नहीं होगा, वो किक्स अलाउ नहीं होती, लेकिन वो ऑलरेडी माशाल्लाह बॉक्सर हैं, प्रो बॉक्सर तो वो हैं ही, लेकिन साथ साथ वो MMA के, क्योंकि MMA पंचेस तो सिर्फ होते ही लेकिन मेरा ये मजेदार फाइट होने वाली है। डिफरेंस बिटवीन फॉर पीपल MMA एंड बॉक्सिंग, जो MMA है उसके अंदर आप किक्स अलाउ हैं, ग्रिपल अलाउ है, आप पकड़ने भी फेंक सकते हैं, मतलब MMA है मिक्स मार्शल आर्ट्स, यानी रेसलिंग, कबड्डी, उसके बाद आपकी सॉरी कराटे, जूडो, सबको मिक्स कर देते हैं बॉक्सिंग का ही MMA। बॉक्सिंग जो है वो जस्ट आपका ये एरिया चल रहा है, तो आपकी भी फाइट में हमें कितनी देर है? बस तकरीबन आने वाली है, क्योंकि अभी हम तो सोच रहे थे कि फाइट लंबी चलेंगे, लेकिन तो इधर भाई आज जो स्टार्ट ही बड़ा खतरनाक हुआ है और नॉकआउट हो रहे हैं। मैंने एक बंदे को यहाँ पे नॉकआउट होते देखा है, मुझे आई फेल्ट बैड नॉकआउट पहले यार, जो बंदा नॉकआउट करता है वो अपने आप को अपने अंदर कितना बड़ा चैंपियन समझना शुरू कर देता है कि मैंने नॉकआउट किया। सही है सही है, और नॉकआउट देखे करना, लेकिन इनकी एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि जो इनके डॉक्टर्स और वो लोग बैठे हैं हर राउंड के बाद डॉक्टर वहाँ से देखता है कि ये आया कि ओपोनेंट खेल सकता है कि नहीं, अगर वो नहीं तो वो इशारा करेगा किसको डॉक्टर। तो आपका फेवरेट बॉक्सर कौन था? ऑब्वियसली मोहम्मद अली कले और माइक टाइसन तो मेरे बिल्कुल फेवरेट हैं, और आजकल के दौर में जो अच्छा चल रहा है एंडी रोज चल रहा है, हैवीवेट बहुत अच्छा है। आमिर खान को कैसा समझते हैं? आमिर खान एक अच्छा बॉक्सर है, मेरा दोस्त है, मैं उसके खिलाफ या उसके हक में कहूँगा लेकिन कोई और बात नहीं करता, लेकिन वो लाइट बैट्समैन नहीं, अभी वो रिटायर हो गए, रिटायर हुआ है, लेकिन सुना था बस बड़ा बंदा है, मैं सकता अगर तक ये लॉस पहुँच जाए तो आमिर मैं आपकी तारीफ ही कर रहा हूँ। नहीं नहीं आमिर इज वेरी गुड बॉक्सर, पाकिस्तान से बड़ा नाम अच्छा है, लेकिन उसमें ये है कि प्रो में मैं आपको बता देता हूँ कि प्रो की बेसिकली रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती, आप फिर आ सकते हैं, सिर्फ ये पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल ने इस वजह से क्योंकि हमारी न्यूट्रिशन वहाँ पे कंप्लीट नहीं होती, हमारे पास सही प्रोटोकॉल्स नहीं है बॉक्सिंग के, इसलिए हमें जो है ना उन्होंने 36 साल एज करके रिटायर कर दिया, मैंने लाइसेंस यहाँ से। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी बॉक्सिंग फेडरेशन एंड अजरबैजान, क्या महसूस कर रहे हैं?
पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन रूल्स के मामले में बहुत आला है और पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट अर्शीद ग्रोव जो साबिक ओलंपियन भी हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, तो मैं उनको 100 में से 100 ही दूंगा मार्क्स। और जो अजरबैजान फेडरेशन है इनका एक अपना स्टैंडर्ड है, इनके पास भी कुछ प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो पाकिस्तान में हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है क्योंकि इनको सपोर्ट है गवर्नमेंट की, प्लस इनके रूल्स थोड़े डिफरेंस हैं, लेकिन 100 out of 100 इनमें कंपेरिजन है। थैंक यू वेरी मच। बस और मेरे लेफ्ट साइड पे जो मेरे भाई खड़े हैं शाह जी, मैं उनको प्यार से शाह जी कहता हूँ, पहले तो मेरे भाई हैं और मैं उनको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ और पाकिस्तान की जेन्युइन जो है ना जेन्युइन चैंपियन है। मैं सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ी सी आप अगर आपको बात क्रिटिकल लगे, पाकिस्तानी निजात ब्रिटिश बॉक्सर आमिर खान, हम उसको अपना बॉक्सर ही समझना शुरू कर देते हैं, वो बेसिकली इज रिप्रेजेंटिंग ब्रिटेन। यहाँ पे जो अपना बॉक्सर खड़ा हुआ है हम उसको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे थे इतना, उसको सपोर्ट करना चाहिए जो कि प्रॉपर पाकिस्तानी झंडा लेके उसके अंदर उतरता, वो तो फिर अपना जो ब्रिटिश झंडा लेके आता है ना, तो ये जो अपना झंडा लेके आ रहा है हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए कि सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम अगर वर्ल्ड में रिकग्नाइज हो सकते हैं तो वो सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से हो सकते हैं। देर आर ऑल एंड मोर स्पोर्ट्स जो कि अभी बिल्कुल भी पाकिस्तान में जन्म नहीं ले रही, होते हुए हमें लगता है कि किसी बच्चे से पूछ ले उसको पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे बॉक्सिंग की होती है क्या क्या होता है। तो मैं ये कहूँगा जहाँ जहाँ तक ये मेरा ब्लॉग पहुँच रहा है, ये मेरा भाई है ही इज अपकमिंग बॉक्सर, अगर यहाँ पे तो इंटरनेशनल है, इसको भी पाकिस्तान में नेम फेम हर चीज़ मिलनी चाहिए, और ये रियल चैम्पियन है जिन्होंने पाकिस्तान में ठीक ठाक नाम है लेकिन किसी को अब उस तबके तक को नहीं पता, हम लोगों को तो पता जो मीडिया में है हर चीज़ उनको पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये चीज़ें आम हों और अगर गवर्नमेंट लेवल तक बात जाए तो प्लीज इस वीडियो को देख लें। थैंक यू वेरी मच। ये वाली बड़ी फाइट है जो वाइट के अंदर है ना वो वर्ल्ड चैंपियन है, वो काफी मुकाबले जीता हुआ है, जेफ्रो उसका नाम है, जेफ्रो जो वाइट के अंदर है, ये जेफ्रो ने मुझे लगता है इसको जेफ्रो ने नॉकआउट कर दिया है, नॉकआउट। वन डेडली पंच एंड ओपोनेंट नॉक्ड आउट। उसको तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, दस्ती जीत गया। हमारा बॉक्सर है पाकिस्तानी। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। हमारा बॉक्सर है, सपोर्ट तो करना है पाकिस्तानी, अपने देसी बॉय को सपोर्ट तो करना है। भाई जान हमारा बॉक्सर आ गया है रिंग में, भाई सपोर्ट तो करना है हमें अपने पाकिस्तान को। अपना लड़का बड़ा क्विक है भाई, ये देखिए शाबाश शाबाश। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर पे मार रहे हैं वो, सर पे चक्कर आ जाएंगे, लेफ्ट का गार्ड ऊपर रख, रिलैक्स हो। दिखा के नीचे बॉडी छोड़
जैब और क्रॉस बॉडी पे, 16 पे क्रॉस मार, शाबाश 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 बोल। वाइफ प्लेइंग वेरी वेल, अपना लड़का भी ठीक है, बहुत अच्छे शाबाश, गया बैठ एनर्जी खत्म हो गई इसकी, बहुत अच्छे शाबाश शाबाश, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे वाह, बहुत अच्छे, जीते रहो भाई, क्या कहने, जीत गया भाई, जीत गया अपना मुंडा, मैं नॉकआउट मारे अगले ने, नॉकआउट ही मार ले, होता की नॉकआउट, कैटेगरी आ गई, हमारे टाइगर भाई आ गए रिंग के अंदर। तुझे लगे जैसे मेरी जिंदगी आसान, बात मेरी मान है नहीं है आसान, लगे नजदीक पर दूर आसमान, सुन मेरी गौर से खोल अपने कान, छोटा तेरा है जहान, छोड़ सारी बातें तू नहीं है पहलवान, काफी दिनों से तफारिक आज मैंने भर ली है फिर से उड़ान, डाली पार सिन मेरी किस बीट में जान, पर कहने को है कुछ नहीं न लगे मुझे कुछ सही, टेंशन से रही सही अकल भी गई, इस हाल में भी देखो मेरी कलम चला गई, तुम लोगों की सोच सारी लग गई, इनकी हालत हो गई खुआरे गबर, I'm a fucking lyrical, ये साले सारे बोले मुझे age, you're a miracle, I'm a fucking miracle, yeah, I'm a fucking miracle, इनकी हालत होगी खुआरे गबर, I'm a fucking lyrical, ये साले सारे बोले मुझे age, you're a miracle, I'm a fucking miracle, जीत गया टाइगर, ये जीत गया मरा बंदा, जीत गया। ये देखिए हमें चीयर अप कर रहे हैं पाकिस्तानियों को, ये पाकिस्तान जीत गया यार। अभी पोस्ट फाइट कमेंट्स लेता हूँ मैं टाइगर भाई से, टाइगर भाई तो क्या कहेंगे फाइट के बारे में, बड़ा मारा आपने यार, थैंक यू। ये मैं आपको कहूंगा कि माशाल्लाह टाइगर ये भी जीते हैं, माय ब्रदर आल्सो, मेरे कोच, मेरे ब्रदर टीजीए प्रमोशन के प्रेसिडेंट, वाह, और माशाल्लाह यहाँ पे मेरे साथ मेरे भाई हैं, और पाकिस्तान से जितनी भी मुद्दे हैं इनको जाती है, क्योंकि आज जितनी जो मेहनत हुई है, ट्रेनिंग हुई है, एडवांस ट्रेनिंग हुई है, माशाल्लाह ये इसका क्रेडिट टैरिल को जाता है। Assalamu alaikum to everyone. This fight is very, was very tough. Was very tough. And the first time Tiger Hamdani fight at the four round, you know? Wow, very, very nice. He's very proud of him. Because he comes in Azerbaijan, Baku, he comes training, but good time, you know? And his opponent also, top opponent. But alhamdulillah, all is done. And I congratulations all Pakistan people and my friends, my brother and our team. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Azerbaijan and Pakistan. Beshak. Zindabad. Zindabad. You both are champions. Yes. He looks like a champion and played like a champion. वहाँ से निकल आए थे और अब कुछ खाने लगे हैं। भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे ना हफ्ता है, तो मुझे लगा कि दुकानें खुली होंगी, फिर मैंने सोचा, मैंने शेयर किया इनसे, मैंने कहा वो हमारे लिए हफ्ता है पाकिस्तान के लिहाज से, लेकिन इनके लिए हफ्ता असल में हफ्ता है कि छुट्टी करके दुकानें भी बंद करके घर में बैठे हुए हैं ये लोग, वीकेंड ये तो दुकानें ज़्यादा देर तक खोलने का रवाज नहीं, ये लोग फैमिली को टाइम देते हैं। डोनर हमने खा लिया था क्योंकि इतनी भूख लगी थी, मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, थोड़ी सी घर के लिए चीज़ें लेनी है, मैं चीज़ें लेता हूँ यहाँ से, ये स्पार्क है, उसके बाद फिर मिलता हूँ, अंडे यहीं से उठाने हैं।
हाँ जी, अच्छा यहाँ पे सस्ते हैं पता, 160 के हैं, बाकी जगह 180 के उठा लें फिर। और ये 140 के ऊपर कितने हैं जी? ये वाले देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है, 140 के। वाह, देसी चुग लो फिर। इधर जो है ना 10 के हिसाब से अंडे मिलते हैं, दर्जन के हिसाब से नहीं मिलते। वाह जी वाह, क्या कहने हैं। नलियां नलियां मेरी नलियां। बाकी है कि हम लोग यहाँ से अब शॉपिंग करते हैं, आप चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सॉरी सब्सक्राइब कर दें, और इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक नीचे, उसको भी जो है आप फॉलो कर देना। और आपसे मिलूंगा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।